गाइस शुरुआत वाले क्लच में अगर मजा आ जाए तो भाई जल्दी से लाइक मार दो यार पहले। मतलब भाई मेरे पास सिर्फ शॉर्ट गन्स थी उसमें और इतने सारे बंदे वहां पे रश मार रहे थे, सबको मैंने निपटाया। और एक बार को तो भाई सिर्फ पिस्टल थी अपने पास, मतलब क्योंकि गोलियां खत्म हो चुकी थी शॉर्ट गन की, लेकिन फिर भी मैं कैंप नहीं मार रहा था, फिर भी बंदों पर रश मारा जा रहा था दबा के। खैर यहाँ पे गाइस मैं उतरता हूँ टैक्स सेंटर पे और यहाँ पे भाई लूटता हूँ फटाफट, तो भाई एक एम मिल जाते हैं मेरे को। फिर यहाँ पे एक दो बोटी आते हैं, वहाँ पे उन्हें निपटाता हूँ, फिर आता हूँ अपार्टमेंट्स की तरफ। यहाँ पे फुटस्टेप्स आने लगे थे इस वाले घर से, एक बंदा यहाँ पे जंप लगा के रश मारता है लेकिन इसको यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है और इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा दोनों को। इनके टीममेट तो मेरे को मिलते नहीं यहाँ पे, तो गाइस फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ थोड़ी बहुत लूट करके। तो यार अब काफी देर में भटकता हूँ भाई, कहीं और बंदे मिलते नहीं, फिर मैं गटका वटका चेक कर रहा था। यहाँ पे ऊपर ग्लाइडर भी खड़ा था, पता नहीं भाई किसने खड़ा कर दिया, और हटके से फुटस्टेप्स आते हैं पीछे से, तो भाई घुमाता हूँ मैं बग्गी। बंदा मेरे को दिख भी चुका था जो कि जा चुका है इस वाले घर में, पहले मेरा प्लान था इसे कुचलने का लेकिन ये भग जाता है। लेकिन यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को पूरा खत्म कर देता हूँ मैं। और फिर गाइस मैं तो पोचिंग की, मैं सामने से फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो यहाँ पे गाइस मैं पीछे बग्गी रोक लेता हूँ क्योंकि गाइस तुम्हें पता है बग्गी के ऊपर अगर तुम बैठे हो तो भाई पाप है, मतलब वो टायर फूटेगा या फिर तुम ही फूटोगे डायरेक्ट ही। यहाँ पे गाइस मैं बग्गी तो पीछे खड़ी कर देता हूँ लेकिन भाई पैदल जाता हूँ जहाँ से फायरिंग आ रही थी वहां पे। सामने की तरफ एक बंदा दिखता है मेरे को, यहाँ पे इसको मैं नॉक कर देता हूँ, लगभग खत्म ही कर देता था, तो यहाँ पे फिनिश करने का प्लान था मेरा जाके, या फिर इसके टीममेट्स को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या स्मोक हो रखा था, मैं दोनों फायरिंग बजाता हूँ, बंदा खत्म हो जाता है डायरेक्टली जाता है, तो भाई दोनों का किल मेरे को मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गाइस फायरिंग की साउंड काफी सारी आ रही थी, इतनी सी तो नहीं थी कि भाई ये बंदे हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लूट कर लेता हूँ लेकिन पहले। तो यहाँ पे गाइस मेरा प्लान था यहाँ से निकलने का क्योंकि भाई और कोई बंदा तो भाई मेरे को लगता नहीं कोई होगा यहाँ पे, तो मैं जा रहा था लेकिन भाई पीछे से हल्के से फुटस्टेप्स आते हैं, मैं बग्गी घुमाता हूँ, बंदा मेरे को दिख जाता है सामने, कुचलने का प्लान था, आवाज भी आई थी लेकिन बंदा कुचला नहीं जाता, तो भाई निपटाना पड़ता है इसे गन से ही। फिर यहाँ पे गाइस एक और बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं सामने वाले घर से, तो प्लान था यहाँ पे नेड वेड फेंकने का मेरा, कुछ पता नहीं भाई कितने बंदे कैंप मार रहे हो। अब इस नेड से तो कुछ नहीं होता लेकिन एक और नेड फेंकता हूं मैं, इससे भी कुछ नहीं होता भाई, बंदा वहां से भग रहा था बार बार, तो फिर गाइस मैं रश मार दूंगा इस पे। लेकिन यहाँ बंदा नीचे जंप लगा देगा, तो यहाँ पे ये वाला बंदा भी डायरेक्ट खत्म हो जाता है, तो शायद से और कोई बंदे होंगे यहाँ पे, तो भाई निपटा निपटा के चलते बनते हैं। अब यहाँ पे गाइस लेफ्ट साइड में खड़ी थी एक गाड़ी और बंदे भी थे उसके आसपास पहाड़ी पे, तो भाई मैं जाता हूँ रश मारने। इसको यहाँ पे नॉक करता हूँ, इसको भी नॉक करता हूँ भाई, तो प्रोनेंट शूट करने लगा था। फिर यहाँ पे गाइस एक बंदा मेरे को दिखता है साइड में भगता हुआ जो कि लेट जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको भी नॉक कर दूंगा मैं और खत्म भी, लेकिन साइड से कोई फायरिंग बजाने लगता तो भाई सबसे पहले तो मैं कवर मारता हूँ, इस वाले बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। और फिर गाइस चलते हैं जोन में। फिर यहाँ पे गाइस मैं जोन में आता हूँ, जोन में आते के साथ ही मेरे को एक गाड़ी दिख जाती है, तो शायद से हो सकता है जोर जो की पहाड़ी पे बंदे हो, तो मैं जा रहा था ऊपर चेक करने। लेकिन यहाँ पे बग्गी फंस जाती है, तो भाई उतरना ही पड़ता है, फिर पैदल जाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और प्लान था मेरा यहीं पे होल्ड करूँ क्योंकि काफी देर हो गई थी भाई भटकते हुए, कोई नहीं मिल के दे रहा था। और यहाँ पे दिखता है एक बंदा सामने, बंदे को देता हूँ हल्का फुल्का डैमेज ही, नोक तो नहीं होता वो, और फिर जा ही रहा था उसकी तरफ, लेकिन सामने ये वाला बंदा अचानक से झांकता है, लेकिन इसको यहाँ पे नोक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक गोली फेंक देता हूँ जिससे कि ये जल जाए, इसका टीममेट से बचाना है तो वो भी जल जाए।
अब यार मोली से तो कुछ होता नहीं है। और फिर एक बंदा मेरे को हल्का प्यारा सा एंगल दे रहा था। और इस वाले स्प्रे के लिए यार लाइक मार दो, किसी ने अब तक नहीं मारी। मतलब भाई इतना जरा सा उसने पीक दिया था लेकिन फिर भी सीधे हेड मारे भाई बंदे को। और फिर ये वाला बंदा भी आता है, इसको भी यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डैमेज देता भाई मेरे को, कुछ ज्यादा ही। तो यहाँ पे पीछे आता हूँ, सबसे पहले तो मैं मेडकिट मारता हूँ, नहीं तो फंस जाता हूँ वहाँ पे मैं। और यहाँ पे गाइस होता है मेरा किल चोरी। और यहाँ पे एक बंदा भाई नेड की बारिश करने वाला, भाई रेड जोन बना देगा देखो अभी। भाई देख रहे हो कितने नेड फेंक रहा है वो। अच्छा हो भाई एक भी मेरे ऊपर नहीं आया। और ये जहां तक मैं मार्क लगा रहा होगा तो सबसे पहले इसे लपेटता हूँ मैं। अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे रश मारूं लेकिन भाई यहाँ तो फंस जाता मैं। अब यार ऊपर से तो ये बंदा दिख नहीं रहा था कि भाई क्या करना चाह रहा है इतना क्लियर। मैं तो बस फायरिंग बजा रहा था अंधाधुन, लेकिन फिर पता चलता है ये मीटअप करना चाह रहा था। वैसे मीटअप वगैरह अवॉइड करो भाई, क्योंकि आईडी वगैरह बैन का सीन चल रहा है। तो थोड़ा सा यार सावधान रहो, मतलब टीम अप और मीटअप अवॉइड ही करो। अब यहाँ पे कैसे मजे में इंजेक्शन ठोक रहा था लेकिन भाई पीछे दिखता है एक बंदा। और अच्छा मैं पीछे घूम के इंजेक्शन ठोकता हुआ, नहीं तो भाई ये बंदा नहीं दिखता और पीछे से लपेट देता। यहाँ पे इसको हेड मारता हूँ एक बॉडी, तो बंदा काफी लो होगा तो रश मार देता हूँ मैं इसके ऊपर। यार इस वाले बंदे को तो मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा जो कि फायरिंग कर रहा था, डीपी चला रहा था थोड़ी देर पहले। एक नहीं दो बंदे थे और भाई दोनों को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। और फिर आते गाइस मेरे को सामने से फुटस्टेप्स, तो मैं यहाँ पे रुक चुका था, कोई सामने मेरे जस्ट। लेकिन फिर मैं रश मारता हूँ, बंदे तो आता नहीं है। और यहाँ पे बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। अब गाइस सिर्फ बचा लास्ट वाला बंदा, तो भाई ढूंढते हैं उसे भी। और यहाँ पे लेवल 3 की मस्त वेस्ट मिलते हैं मेरे को, तो ये काफी बढ़िया बात थी। तो यहाँ पे कैसे भटक रहा था भाई लास्ट वाले बंदे को ढूंढने के लिए, जोन देख लो कितनी छोटी हो चुकी है। और अब जाके बंदा मेरे को फाइनली दिख जाता है पत्थर के पीछे। और बंदा शायद से MG3 ले रहा है, तो भाई थोड़ा सा संभाल के, नहीं तो दिक्कत होने के पूरे पूरे चांसेस थे। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ इस वाले पेड़ पे आके रुकूंगा। और भाई बंदा नेड फेंक रहा था, मतलब चलती गाड़ी को फोड़ने का प्लान था बंदा का नेड से। और बंदा वहाँ पे शील्ड वगैरह भी बना चुका है, तो मेरा प्लान था भाई नेड से फोड़ दूं बंदे को, क्योंकि भाई MG3 यार तुम्हें पता यार मतलब क्लोज रेंज में क्या ही करती है। तो यहाँ पे कैसे एक नेड पे फेंकता हूँ, मेरे को लगा था चला जाएगा लेकिन हल्का सा पीछे रह जाता है, मतलब बहुत जरा सा। तो यहाँ पे मैं समझ चुका था क्या करना है मेरे को, थोड़ा और ऊंचा सा नेड फेंकना है और बंदा फट जाएगा। तो कैसे था आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल पे। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।